नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास एक सेट आया है जियो F320 का, और दोस्तों इसमें हैंग लॉगो आ रहा था। दोस्तों मैं काफी देर से परेशान हो गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा, दोस्तों आपके पास जियो का सेट है और दोस्तों उसमें हैंग लॉगो आ जाता है माइक लगाते टाइम, और दोस्तों उसका हमने माइक निकाल दिया फिर भी आपका हैंग लॉगो नहीं हटता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखना, और दोस्तों आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है हैंग लॉगो की, जो माइक हटाने के बाद हैंग लॉगो आता है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। दोस्तों इसमें माइक नहीं लगा हुआ है, और दोस्तों मैं माइक लगा के दिखाऊंगा, पूरा वीडियो को प्रोसेस फुल देखना है। दोस्तों जो भी स्टेप बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों ये GF320 का सेट था। दोस्तों मैं इसे जैसे ही ऑन करता था, माइक के सारे मैंने झंपड़ हटा दिए, मेरा माइक एकदम ठीक लग गया था, फिर ही दोस्तों हैंग लॉगो नहीं हटा था। मैं सोच रहा था दोस्तों मेरा माइक शायद खराब है। मैंने दोस्तों तीन चार माइक चेंज कर दिए, फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर मैंने माइक हटा दिया, माइक हटाने के बावजूद ही ये प्रॉब्लम आने लगी है। तो दोस्तों इस समस्या को मैंने कैसे दूर किया है, दोस्तों आपको यही वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बैटरी हटा लेता हूँ। दोस्तों आपको माइक चेक करा के दिखाऊंगा, इसमें हैंग लॉगो आ रहा था, इसको मैंने माइक यहाँ से निकाल दिया, मेरा माइक ठीक लगा था, फिर भी मेरी हैंग लॉगो की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। दोस्तों हुआ क्या था, मैंने दोस्तों यहाँ से एक झंपड़ मारा था, यहाँ से यहाँ के लिए दोस्तों झंपड़ मारा था, तो मेरा माइक कुछ देर वर्किंग किया था। उसके बाद दोस्तों इसे मैंने ऑफ किया और ये फिर हैंग लॉगो पे अटक गया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ से एक झंपड़ हटा के और ये झंपड़ यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे देखना दोस्तों एक कैपेसिटर लगा था यहाँ पे। दोस्तों आपको यही पॉइंट, आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है दोस्तों, इधर वाला सिरा इस साइड का ग्राउंड होता है और इस साइड वाला दोस्तों सप्लाई का होता है, हमारे यहाँ से यहाँ के लिए ट्रांसफर होती है। दोस्तों आपको यही गौर देना है, जो हमारे यहाँ पे कैपेसिटर होता है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होता जाता है या मिसिंग हो जाता है, उसकी वजह से हमारे जो शॉर्ट हैंग लॉगो की प्रॉब्लम आती है वो यहीं से आ जाती है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, यहाँ से जो पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है डायरेक्ट, यहाँ पे रीडिंग आती है। तो इसकी यहाँ पे जो ये वाला ये कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसे रिमूव कर दिया है। दोस्तों ये शॉर्ट हो रहा था, दोस्तों आपको ये रिमूव कर देना, और इससे भी दोस्तों नहीं होता है तो दोस्तों आपको एक हार्ड रीसेट मार लेना है सेट को। हार्ड रीसेट भी इससे भी नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे देखना है इस साइड में भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसको भी दोस्तों हटा देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, मैंने इसे रिमूव कर दिया है, और मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए मैं अब इसका माइक का मैं झंपड़ करके दिखाऊंगा और आपको चेक करके दिखा। देखने दोस्तों मैंने इसका झंपड़ लगा दिया है, और देखने तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसे ऑन करके दिखाता हूँ, देखना मेरा हैंग लॉगो आता है या नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे ऑन करके देखते हैं हम। और दोस्तों मैं आपको अभी झंपड़ बताता हूँ, पहले झंपड़ समझा देता हूँ आपको, झंपड़ कहाँ कहाँ लगाना है। देखना दोस्तों मैंने एक झंपड़ लगाया है, माइक के सेम पॉइंट वही होते हैं जो चार पॉइंट होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखना दोस्तों जो पहला झंपड़ होता है हमारा इस साइड वाला, देखना हैंग लॉगो का झंपड़ यही वाला होता है जो आगे वाला है। थोड़ा वीडियो को जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखना दोस्तों हमारा जो आगे वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है दोस्तों एक नंबर, ये वाला दोस्तों हमारा हैंग लॉगो प्रॉब्लम लाता है, ये वाला पॉइंट। दोस्तों ये पॉइंट मिस हो जाए तो हैंग लॉगो आ जाता है। दोस्तों ये पॉइंट हमारा सीधा जाता है यहाँ पे, यहाँ पे देखना है दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, देखना है, हाँ कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, कैपेसिटर है। आगे वाले सिरे पे आप झंपड़ कर सकते हैं, कैपेसिटर के आगे वाले सिरे पे कर सकते हैं, पहले ही कैपेसिटर पे इस साइड के, इस साइड वाले पे कैपेसिटर पे झंपड़ यहाँ से यहाँ के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे झंपड़ करने के बाद दोस्तों पहला झंपड़ हमारा ये हो गया, दूसरा झंपड़ हमारा दोस्तों ये वाला होता है, ये दोस्तों ये वाला झंपड़ सेम आपको यहीं लगा देना है माइक पे, तीसरा झंपड़ दोस्तों आपको यही लगा देना है यहीं पे, और चौथा भी झंपड़ दोस्तों आपको सेम माइक में लगा देना है। जो दोस्तों पहला झंपड़ होता है ये वाला दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट सीधा आपका यहीं से आता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से पहले कैपेसिटर से आगे वाले सिरे से आपको यहाँ पे झंपड़ कर देना है, और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। देखना दोस्तों अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ दोस्तों, मेरा सेट ऑन होता है या नहीं होता है, और दोस्तों देखते हैं हमारा सेट वर्किंग करता है या नहीं करता है। देखना अभी मेरा सेट ऑन हो रहा है, देखते हैं दोस्तों हैंग लॉगो आता है या नहीं।
लेकिन दोस्तों मैंने कई माइक इसमें डाल डाल के खराब कर चुका हूँ दोस्तों, फिर भी मेरा काम नहीं मिल रहा था। अगर दोस्तों आपका माइक निकालते टाइम भी आपका माइक हटा दिया आपने और फिर भी आपका हैंग लॉग नहीं दूर हो रहा, तो दोस्तों आपको यही मेथड अपनाना है, जो कैपेसिटर मैंने बताया था उसे आप रिमूव कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो देखना दोस्तों अभी मेरा ऑन हो रहा है सेट, कुछ देर हम वेट कर ले रहे हैं। देखना है दोस्तों अभी हमारा सेट ऑन नहीं हो पाया है, होने में ही है हमारा सेट अभी ऑन। देखना है दोस्तों सेट हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसका माइक चेक करके देखता हूँ, हम जाते हैं दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग मोड में जाते हैं। देखना कैमरा के मेथड में आते हैं, कैमरा के मेथड में अब हम वीडियो रिकॉर्ड में आएंगे और दोस्तों इसे हम थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक स्पीकिंग, हेलो 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 हेलो। देखना दोस्तों मैं माइक चेक कर रहा हूँ, अब देखना मैं इसकी रिकॉर्ड करता हूँ। अब मैं दोस्तों अपना जो माइक है मेरा, जो मेरा माइक है ये वाला, देखना मैं इससे वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ और देखना मैं अभी अपनी जो वॉइस मैंने ओवर की है इसे मैं सुनता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। देखना है दोस्तों मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और जो हैंग लॉगे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।